हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे नकली देश है दुनिया का। जी हाँ, दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पर यहाँ के सामान ना बिकते हो, फिर चाहे वो कॉपी मारी हुई टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। एक ऐसी कंट्री जहाँ के लोग लगातार 6-6 महीने काम करते हैं और यहाँ के लोगों की सोच और खान पान सब कुछ अतरंगी है यार। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर आप पैसे देकर भी ना गर्लफ्रेंड बना सकते हो। जी हाँ, और तो और इस देश में अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी क्राइम करने के बाद किसी और को भी जेल भेज सकते हो। जा भाई, तू सजा काट के आ। यहाँ की पहचान, जान और शान है पांडा। तो दोस्तों गैस व्हाट, अरे गैस तो कर ही लिया होगा यार, ये है कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी चीन। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं अनोखे देश चीन के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, इस समय चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़, जिसमें से 61% आबादी बड़े शहरों में रहती है जबकि 39% आबादी गांव में रहती है। देश की राजधानी है बीजिंग और ये चीन के प्रमुख शहरों में से एक है। चीन का बॉर्डर 14 देशों से मिलता है और ये है अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और वियतनाम। टोटल 14 देश है दोस्तों ये। जी हां, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन 14 देशों में से 12 के साथ बॉर्डर को लेकर इसकी लड़ाई चल रही है। यही तो है चीन। सिर्फ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़कर किसी के साथ चीन के अच्छे संबंध है ही नहीं। वेल, पाकिस्तान तो चाइना का गुलाम ही बन चुका है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया में भी चीन की ही तरह वन मैन पावर का कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। कुछ समझे ना आप दोस्तों। दोस्तों कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, चीन का भी कुछ ऐसा ही मानना है। आप इस देश की 1978 से पहले की कोई भी फोटोज देख लीजिए, उस समय यहाँ के लोग साइकिल से ऑफिस जाया करते थे। जी हाँ, हर जगह साइकिल ही नजर आती थी यहाँ पर। लेकिन आज इस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा कारें हैं। यहाँ पर हर बंदा कार से ही अपने ऑफिस के लिए निकलता है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 40 साल में हुआ है। जानते हैं कैसे? देखिए, ऐसी सफलता पाने का एक ही तरीका है और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। यहाँ के लोगों ने इतने साल आंख मूंद कर इतनी मेहनत की है कि आज भी यहाँ के लोग 6-6 महीने नॉन स्टॉप काम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि इस देश के लोगों ने अपनी मेहनत से चीन को सुपर पावर बनाया है। लेकिन चीन की एक बुरी बात यह है कि देश में नकली सामान बनाना और उसे मार्केट में बेचना बहुत ही कॉमन सी बात है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि विदेशों से आए चीजों को कॉपी करके बनाए जाते हैं। चीनी लोग कॉपी करने में माहिर हैं। आपको यहाँ पर नकली आईफोन से लेकर नकली कार ब्रांड सब कुछ दिख जाएगा। चीन ने नकली चावल तक बना लिए दोस्तों, अब इससे बेहतर चीन से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। वैसे हाँ, नकली से याद आया कि चाइना ने अपने दोस्त पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा चूना लगाया। कोरोना के वक्त इसी देश ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किए गए अंडर गार्मेंट्स का मास्क बनाकर चिपका दिया, बेच दिया था यार, जिसे लेकर पाकिस्तान में बहुत बवाल हुआ था कि ये क्या बवासीर मंगा लिया है चाइना से। जी हाँ, और तो और आपको चाइना में नकली गर्लफ्रेंड भी मिलेगी। क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया में प्यार को भी बेचा जा सकता है? ये लड़कियां लड़कों को इमोशनल सपोर्ट देती हैं, लेकिन आप इस किराए की लड़कियों के साथ नहीं 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 फिजिकल नहीं हो सकते हैं, ऐसा सोचना भी मत। दोस्तों आपको बता दूं कि आज की तारीख में चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर नेशन बन गया है। यहाँ हर साल 404 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। हालांकि ये बात जहन में रखना जरूरी है कि यहाँ के मार्केट में आपको सोने के नाम पे चूना भी लगाया जा सकता है। जी हाँ, साथ ही दुनिया में इस्तेमाल होने वाले टोटल सेल फोन्स में से 70% फोन तो यही बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक्स का निर्माण किया जाता है और जिसके लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक्स में से 50% का इस्तेमाल चीन में ही किया जाता है, जबकि बाकी के 50% में से 77% चॉपस्टिक जापान को, 21% दक्षिण कोरिया को और 2% अमेरिका को भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों चीन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको चौंका सकती हैं। उनमें से एक तो ये है कि चीन के अमीर लोग दूसरों को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। जी हाँ, ये बात 100% सच है कि यहाँ पर अगर किसी पैसे वाले लोगों ने क्राइम किया है और अगर उसे जेल जाने का मन नहीं है तो वो किसी को पैसे देकर अपने बदले जेल की सजा काटने के लिए भेज सकते हैं। आपको अजीब लग रहा होगा ये, लेकिन ये चीन में मुमकिन है। जहाँ पूरी दुनिया डेथ पेनल्टी पर बैन लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं इस मामले में चीन की अपनी अलग ही सोच है। साल 2005 में चीन में 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी और ये संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा से 4 गुना ज्यादा थी। वेल, एक और चीज जो आपको चीन के बारे में चौंका सकती है वो है यहाँ की यूरिन थेरेपी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के ज्यादातर लोग अपने यूरिन का इस्तेमाल ज्यादातर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए करते हैं। यस, लोगों का मानना है कि यूरिन की मदद से आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। चाइना के ज्यादातर लोग सुबह उठ के अपने ही यूरिन को पीते हैं और इसका रिजल्ट इनके हिसाब से मिरेकल है, चमत्कारी है। अब क्या ही कहें दोस्तों, चाइना है तो सब कुछ मुमकिन है भाई। दोस्तों दुनिया में किसी भी कोने में अगर आपको
आपको जाइंट पांडा नजर आए तो आंखें मूंद कर मान लीजिए कि उस पर चीन का अधिकार है। ज्यादा सोचने का ही नहीं, चीन ने इस प्रजाति को लीज पर लिया हुआ है। आपको बता दूं कि चीन के अलावा ये जानवर आपको कहीं और दिखेंगे भी नहीं। चीन ने कई सारे पांडा अमेरिका को रेंट पर रखने के लिए दिए हैं और बदले में वो उनसे एक पांडा का $1 million पर ईयर लेता है। चीन को अच्छे से पता है कि कैसे कैसे पैसे बनाने हैं, है ना। अब जब पांडा की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि चीन के लोगों के बीच में ना ये पांडा टी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये चाय पत्ती बनती है पांडा की पॉटी से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चाइना के लोगों का मानना है कि पांडा की पॉटी वाली चाय पीने से कोई कभी बीमारी नहीं हो सकता है। अजीब देश है यार, कभी कोई यूरिन पीता है, कहीं कोई पांडा की पॉटी की चाय पीता है, क्या है यार। दोस्तों एक और चीज यहाँ बहुत फेमस है जिसका नाम है प्योर टी। इस चाय की पत्तियों को कुंवारी लड़कियाँ अपने होठों से तोड़ती हैं और ये सब वो लड़कियाँ होती हैं जो किसी के साथ रिलेशनशिप में ना हो। कहने का मतलब है कि जो पूरी तरह से प्योर हो, दैट इज कॉल्ड प्योर टी। वाह क्या कॉन्सेप्ट है। अगर खाने की बात की जाए तो चाइना के लोग सब कुछ खाते हैं। सब कुछ का मतलब होता है सब कुछ, यस। मतलब ये लोग कुत्ते बिल्लियों से लेकर सांप ऑक्टोपस तक सब कुछ निगल जाते हैं यार, पचा भी लेते हैं। इन सब के अलावा भी चाइनीज लोगों को नूडल्स खाना सबसे ज्यादा पसंद है। क्या आप यकीन करेंगे कि चाइना में लोग चिड़िया का घोंसला भी खा जाते हैं। यहाँ चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। इसे एडिबल बर्ड नेस्ट सूप या फिर स्विफ्ट लेट्स भी कहते हैं। इस सूप की कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीबन 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। सोचिए कितना महंगा है। यूं तो दोस्तों चीन किसी से नहीं डरता है, लेकिन यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा डर मोटापे से लगता है। इस देश के लोग खाते पीते रहते हैं लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते। ये इसलिए इतने फिट लगते हैं क्योंकि दोस्तों ये हर मील के बाद गर्म पानी जरूर पीते हैं और यहाँ पर ग्रीन टी का सेवन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ हर कोई खाने के बाद ग्रीन टी जरूर पीता है ताकि फैट को बर्न किया जा सके। दोस्तों चीन में आप फेसबुक ट्विटर जैसे एप्स यूज नहीं कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है लेकिन चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं। चीन में साल 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगी हुई है। चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर साल 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से बाहर निकाल फेंका था। सन 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप्स की व्यवस्था भी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद है। इस देश में रिश्ते की कोई कदर ही नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि यहां पर अपने बूढ़े माता पिता को भी बच्चे भूल जाते हैं। यहां पर याद किया जाता है सिर्फ और सिर्फ पैसे को। ये बहुत ही गलत सोच है यहां के लोगों की। चीन में हर रिश्ता ही पैसों की बुनियाद पर टिका हुआ है। कहते हैं कि जो पैसा नहीं कमा पाते हैं उनकी इज्जत यहां नहीं होती है और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। क्या आपको पता है कि यहां पर ओरडोस कंगबाशी नाम की एक घोस्ट सिटी भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में इस तरह के शहर भी है। दरअसल बात यह है कि चीन में कई ऐसी जगह है जहां पर की शहर बसाने के लिए 6 करोड़ से ज्यादा फ्लैट बना दिए गए लेकिन आज हालत यह है कि कोई इन फ्लैट्स में नहीं रहता है। कहते हैं कि कई दिनों से ये फ्लैट्स ऐसे ही पड़े हैं और अब इनमें भूतों का वास है। वैसे चीन के लोग भी किसी भूत से कम नहीं है दोस्तों। देश की राजधानी बीजिंग में मिलता है चाइना का द बेस्ट फूड। आपको बता दें कि इस शहर के बार्स एंड रेस्टोरेंट्स बहुत ही शानदार हैं। इस देश में टूरिस्ट जब भी चीन आते हैं तो सबसे पहले बीजिंग में ही जाते हैं। बीजिंग का द इंपीरियल पैलेस एंड द फॉरबिडन सिटी का मेरिडियन गेट जिसे 1420 में बनाया गया था उसे देखकर आज भी लोग चौंक जाते हैं। वहीं पर द गोल्डन रिवर ब्रिज भी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इसके अलावा भी बीजिंग में कई खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उनमें से बिहाई पार्क, द टेम्पल ऑफ हेवन, द समर पैलेस, बीजिंग नेशनल स्टेडियम, बीजिंग कैपिटल म्यूजियम। दोस्तों 1977 तक भारत चीन से कहीं आगे था डेवलपमेंट के मामले में। उस समय चीन हमसे बहुत गरीब था लेकिन 1978 के बाद इस देश ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आपको बता दें कि उसी साल से चीन ने अपने समंदरी एरिया में विदेशी कंपनी को इन्वेस्ट करने का न्योता दिया और उन्हें कन्विंस कर लिया कि आपके लिए समंदर से चीजें एक्सपोर्ट करना आसान होगा, यानी कि कम पैसे में आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बस वहीं से इस देश में बाहरी कंपनीज ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और चीन तरक्की करता गया। आज चीन की जीडीपी है $19.91 trillion। दोस्तों ये था अनोखा देश चीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज के वीडियो में आपको चीन की कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी गए हैं चीन और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही हाँ, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।